अंदर जब पहुंचे तो उसने एक घिसी हुई शर्ट पहनी हुई थी ग्रीन कलर की और नीचे व्हाइट ट्राउजर था। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं आप वीडियो नहीं बना सकते। ये सुनते ही शबीर की बीवी उसके आगे खड़ी होगी और उसने मास्क पहना दिया और उसके सर पे चादर उड़ा दी। जिस जगह बैठी हुई थी ना तो वो कोई बेड था ना कोई लैविशिंग कोई और सोफा था। कमरे में ना तो वेंटिलेशन थी ना प्रॉपर पंखा सही चल रहा था। अंदर ही वॉशरूम अंदर ही किचन का सामान और बर्तन बिखरे हुए थे और अंदर ही कपड़े थे। तो कोई लैविशिंग लाइफ नहीं थी वहाँ पे। ज़हीर तो 80,000 रुपया महाना कमाता और वो तो खुश रखेगा। तो वही तो झूठ पकड़ा गया ना, तो इसीलिए तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेजबान जुनेद आदिल। केस में आए रोज नए मोड़ सामने आते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है साइमा शहजाद साहिबा, जो स्ट्रॉन्ग उस्मा के साथ सबसे पहले खुरा और जहीर के घर पहुंची। जब ये वहां पर पहुंची तो इन्होंने वहां पर क्या मनाजिर देखे, उस घर की क्या हालत थी, दुआ जहरा क्या कर रही थी, आइए वो सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले तो मैं आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। मुझे बताइएगा, बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तलाश में थे लेकिन उसे तलाश नहीं कर पाए, आप उस तक कैसे पहुँच गई? हम उस तक नहीं पहुँचे बल्कि वो इन्फॉर्मेशन हम तक खुद चल के आई थी, ये मैं क्लियर कर दूँ। और ये मैं समझती हूँ कि हमारी गुड लक थी कि इस चीज़ का हमें पता चला और उन लोगों ने जो कि इस घर के मालिक मकान थे उन्होंने खुद ही स्ट्रॉन्ग उज़्मा से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ आएँ और हम चाहते हैं कि आप एक दफ़ा इस जगह को देखें। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप यहाँ आकर बच्ची को खुदा ना खास्ता अगवा कर लें या उसको आप यहाँ से ले जाएँ, ये यहाँ पर अगवा हुई है, इन्होंने यहाँ पर बंद किया, ये कैद रखा। सिर्फ उन्होंने कहा है कि हमने उसके फादर की रोते हुए वीडियो देखी है तो हमारे दिल को कुछ हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप उनके पेरेंट्स तक, क्योंकि आप कराची से होके आई हैं, तो आप उनके पेरेंट्स तक ये खबर पहुंचा दें कि आपकी बेटी यहाँ पर सही सलामत है। उन्होंने क्या आपको ये कहा था कि पर यहाँ पर तशद्दुद होता है, उससे ज़्यादा कोप किया जाता है, ऐसी कोई बात उन्होंने आपको बताई थी? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और ना ही उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये सब झूठ बातें फैलाई जा रही हैं और उसी बातों का उन्हीं का पलंदा बनाया जा रहा है। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि आप एक दफ़ा आएँ और स्ट्रॉन्ग उस्मान ने सिर्फ मुझे ही बताया था और उस मुझे बताने के बाद उन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो खवातीन बहुत पर्दा करती थी और उन्होंने कहा था कि किसी मर्द को पता ना चले और अगर आप यहाँ आएँगी भी तो आप प्लीज़ किसी मर्द को साथ नहीं लेके आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग उस्मान ने मुझे बताया तो मैंने कहा कि आप छोड़ दें, इस मामले में इन्वॉल्व ही ना हो। लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर आप इतनी मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, आप इतने बड़े बड़े काम करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, इतने बड़े मामले में आप इन्वॉल्व भी नहीं हो रही हैं तो आप फिर नाम की स्ट्रॉन्ग है। तो फिर उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा चलिए देखते हैं, जाके देखते हैं, हो सकता है वहाँ पर जो इंटरव्यूज़ में दिखाया जा रहा है उसको बड़ा खुश दिखाया जा रहा है और बड़ा अच्छा इसको पेश किया जा रहा है, तो हो सकता है वैसे हालात ही वैसे ना हो वहाँ पर। तो फिर हमने फैसला किया कि हम जाके वहाँ का जायज़ा लेंगे। वहाँ पर पहुँची उस वक्त किस हालत में अपने कमरे में मौजूद थी? सबसे पहले तो जब हम वहाँ पहुँचे हमें तो घर से जाते हुए पता ही नहीं था कि उनके घर में कौन कौन है। जब वहाँ पहुँचे तो इतला मिली कि जी वहाँ पर ना तो शबीर है, ना जहीर है और ना उसकी वालदा है। तो उन्होंने कहा जी कि हमने दरवाज़ा नॉक करके पूछा है तो उसकी जिठानी घर पर है की जो शबीर की बीवी है, तो आप आ जाएं हम आपको कमरा दिखा देते हैं। क्योंकि हम इसलिए गए थे कि हम देख सकें कि हमने किराए पे घर लेना है, ये बस एक बहाना था, तो हमने देखना था कि अंदर का माहौल। प्लानिंग किसकी थी कि हम एक किराएदार बन के उनके घर जाएंगे? जब हम वहाँ पहुँचे ना तो हमें पता चला कि ये घर पर ही नहीं है, तो उन्होंने कहा जी देखें कोई मसला ना हो जाए तो आप बड़े आराम सुकून से जाइएगा और आपने शो नहीं करवाना कि आप मीडिया से आए हैं या मीडिया पर्सन है। चूँकि हमारे साथ कोई मर्द नहीं था, हम दोनों औरतें थी, तो हमने अपने स्काफ वगैरह लेके हम लोग अंदर गए और अंदर जाके हमने सिर्फ कमरा देखा। देखना तो हमने कोई था कि वो वाकई खुश है और कितनी लैविशिंग लाइफ गुजार रही है जो कि बताया जा रहा था। लेकिन अंदर जब पहुंचे तो उसने एक घिसी हुई शर्ट पहनी हुई थी ग्रीन कलर की और नीचे वाइट ट्राउज़र था जो कि मैं आज बता रही हूँ, और शबीर की बीवी उसके साथ खड़ी हुई थी। जैसे ही हमने कमरे को देखा और हमने कहा कि जी हम ये कमरा जो है किराए पर लेना चाहते हैं तो हम इसकी एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं आप वीडियो नहीं बना सकते। फिर ये सुनते ही शबीर की बीवी उसके आगे खड़ी होगी और उसने मास्क पहना दिया और उसके सर पे चादर उड़ा दी कि ये लोग कहीं इसको कैप्चर ही ना कर ले। चंद सेकंड हम लोग वहाँ पे रुके थे और उन चंद सेकंड्स में ही हमें आइडिया हो गया था, क्योंकि उस कमरे में ना तो वेंटिलेशन थी ना प्रॉपर पंखा सही चल रहा था, अंदर ही वॉशरूम अंदर ही किचन का सामान और बर्तन बिखरे हुए थे और अंदर ही कपड़े थे। तो कोई लैविशिंग लाइफ नहीं थी वहाँ पर। जो कहा जा रहा था कि जहीर तो 80,000 रुपया महाना कमाता और वो तो खुश रखेगा, बड़ी शाहाना जिंदगी दे दे। तो वही तो झूठ पकड़ा गया ना, तो इसीलिए तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि बताया जा रहा था उसका बहरिया टाउन में प्लॉट है, उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका ये है, ये बिजनेस है, वो फलां फलां, तो ऐसा कुछ निकला ही नहीं, तो अब उनके मुंह बंद हो गए। मुझे एक सच्ची सच्ची बात बताएं, कितने लोग आप अपने साथ लेके गई थी जिनको आपने बाहर नकाब पहना के खड़ा किया था?
मैंने अल्लाह को जान देनी है और देखे मरने का किसी को भी कोई गारंटी नहीं है कि किसी ने कब तक जीना है। तो मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैं और उज़्मा थी और हमारे साथ कोई बंदा नहीं था। उन ख़वातीन की शर्त यही थी कि आपके साथ कोई आदमी ना आए। हम मदरसे की ख़वातीन हैं तो हमारे मोहल्लेदारों को भी ना पता चले कि यहाँ पर कोई मीडिया के लोग आए हैं। ना हम गैजेट्स लेके गए, ना हम कोई अपनी कोई ऐसी चीज़ लेके गए जिससे हम कैप्चर कर सकें, ना कोई ऐसी डिवाइस लेके गए, खुफिया कैमरा लेके गए। तो हम अपनी पूरी तैयारी से गए ही नहीं थे। आप ज़हीर की भाभी से मिली, उनकी फैमिली के कुछ अफराद से मिली, उनका रवैया कैसा था आपके साथ का? आपको लगा वाकई कोई बहुत बदतमीज़ किस्म के लोग हैं और वाकई वो किसी गैंग का हिस्सा है? ये तो मैं नहीं कह सकती कि गैंग का हिस्सा है, लेकिन वो जो है ना कुछ मशकूक सी मुझे लग रही थी क्योंकि उनको इतनी बेचैनी थी। देखिए अगर एक बंदा सच्चा होता है ना तो उसको कोई डर नहीं होता, वो धड़ल्ले से बात करता है, वो बड़ा हाथ उठा के बात करता है कि मेरी बात में सच्चाई है। वो औरत मुसलसल घबरा रही थी, उसका रंग पीला पड़ गया था और मुसलसल वो के आगे ही खड़ी रही कि कहीं ये इसकी वीडियो ना बना ले, वीडियो ना बना ले। तो मैं बड़े गौर से उसको घूर के देख भी रही थी, तो वो बड़ी इस चीज़ से परेशान हो रही थी, उसके चेहरे पे परेशानी थी। आप ये बताएं, आपने से देखा 14 साल है कि 17 साल? उम्र 14 साल है की बात हल्फन कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी कैमरे पे आ जाए ना, अगर आप किसी वीडियो में आ जाए तो आपको पता है कि हमेशा कैमरे पे बंदा 10% ज़्यादा आता है, वो कभी भी एक्चुअल उसकी एज पता नहीं चलती और वो उसकी जिसामत भी थोड़ी ज़्यादा आती है। तो को हमने रियल में देखा है और उसके फेस को देख के, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के, उसकी उसको देख के लगता ही नहीं कि वो 17 साल की। बातें जो की जा रही थी अपने वालदेन की तस्वीर देखनी थी LCD के ऊपर, अपने वालदेन की वीडियोस देखती हैं, अपने बाबा को देखती हैं, सच्चाई है इन बातों? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि बकौल उनके मालिक मकानों के जो उन्होंने हमें बताया कि जब हम अंदर गए तो मेरे साथ स्ट्रॉन्ग उज़्मा थी, एक साइड पे मैं खड़ी थी और एक साइड पे स्ट्रॉन्ग उज़्मा थी। चूँकि हम घर का जायज़ा ले रहे थे तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा थोड़ा सा आगे हुई, तो ने मोबाइल पकड़ा हुआ था और वो इस तरह करके स्क्रॉल करके कुछ देख रही थी। तो उज़्मा ने कोशिश की कि मैं इसको देखूं, ये देख क्या रही है। अब उज़्मा ने देखा कि वहाँ पर वो अपनी बहन की, अपने बहनों की पिक्चर्स और फादर की पिक्चर्स शायद देख रही है या फैमिली की, तो वो चुप करके बैठी हुई थी, उसने कुछ नहीं बोला। मैं जायज़ा ले रही थी कि कमरे में और क्या क्या, और वहाँ पर मैंने LED भी देखी और मकान मालिक ने हमें बताया कि वो अपने फादर की वीडियोज़ देखती है जिसकी आवाज़ हमें बाहर तक आती है। इस केस को आप किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं? इस केस को लोगों ने इधर उधर खींच के ले गए हैं, ये जो झूठे किस्म के लोग हैं इन्होंने मज़ीद पलंदे बना बना के और सनसनी फैला फैला के इस केस को घसीटा है। इसमें कुछ भी नहीं था, सच्चाई थी, लड़की बेशक अपनी मर्ज़ी से आई थी लेकिन इन्होंने यहाँ पर जब वो पहुँच गई, आ गई, चूँकि वो माइनर थी, लो एज थी, तो उसको बातों में फंसाया, वरगलाया और जो बीवी उसके मुसलसल इंटरव्यूज़ ले रही थी, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि को इंटरव्यू देने का हक सिर्फ आपकी टीम को था, सिर्फ आपको था। जब मालिक मकानों ने हमें इंटरव्यू दे दिया तो उनकी भी मर्जी है कि वो जिस मर्जी को इंटरव्यू दें। आप ये नहीं कह सकती कि वो सिर्फ आपको ही इंटरव्यू दे रही हैं और उन्होंने पैसे लिए हैं, ये आप नहीं कह सकती। अगर आप सिर्फ इंटरव्यू कर रही हैं तो आपने भी पैसे लिए होंगे। आखिरी सवाल, तो मुझे आखिरी बार सच सच बता दें कि कितने पैसे दिए थे आपने उनको अपनी मर्जी का बयान लेने के? मैं फिर कह रही हूँ कि अल्लाह का जान देनी है, 1 रुपया नहीं लिया। और आप जाके मेरे चैनल पे भी देख लें, सोशल क्लिक पे भी देख लें कि लोगों के कमेंट्स देख लें और स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे भी देख लें, हज़ारों कमेंट्स ऐसे हैं जो लोग जो है ना हमारे हक़ में बोल रहे हैं और सच्चाई के हक़ में बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त साइमा शहजाद साहिबा मौजूद थी और इनका जो बयानिया वो आपने सुना, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ ही वहाँ पर गई, क्या कुछ देखा वो सब आपने सुना इनकी ज़ुबानी। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।